सर वेट वेट एक विजुअल लुक हाँ ओके सर ठीक है सर आपका अभी एक सोलो सर यहाँ ऑटो वाला हीरो बन गया हमारा भाई आगे ले लो ना वो भी हीरो हमारा आगे ले लो कहते ना भाई यहाँ पीछे पीछे ले लो ना सर पीछे ले लो क्यों चलेगा आज वो भी हीरो बन रहा था बैक बैकलाइट तो नहीं आ रहा थैंक यू सर सर केक थोड़ा अपनी तरफ लीजिए ना आप केक अपने तरफ अरे हाथ पीछे शूट कर रहा है अरे फ्रेम तो सेट करने दे बस ही आप और पीछे पीछे जगह पीछे आ जाए ना अरे पीछे ना ये पीछे ना पाठक पीछे तो पेपर ये कैमरे में उसकर चलो आप आइए ना पीछे ना पीछे राम पीछे राम और अंदर आइए शटल ले रहा है हां सर आइए ना आइए अभी अरे हाथ पर मत चलाओ भाई जी जैसे हेलमेट के बाजू जिसकी हाइट है आप चले जाना हाइट है हां चलो 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 हैप्पी बर्थडे एसी बंद कर सकते हैं कोई वहां से चलो हम लोग सब लोग विश करके है ना कि आप लोग सबका ना ऐसा चाहिए मुझे कि आप लोग सबका चाहिए मुझे यहाँ पे ठीक है आप लोग सबका ये भैया के लिए और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके लिए प्रे कर रहे आप लोग सब लोग अगर अच्छे से अगर भगवान जी से बोलेगा ना भगवान जी थोड़ा इनका थोड़ा सा ऐसा ऐसा है वो सब चीज़ें अच्छे से करके दे देना तो आप लोग अगर ऐसे सोच के ना हम लोग सब लोग मिलकर हाथ बंद करके फूक मारेंगे ठीक है चल
सबसे पहले तो इस साल का बर्थडे आपके लिए कितना खास होने वाला है क्योंकि स्माइल फाउंडेशन के सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो कितना स्पेशल होने वाला है आपके लिए? स्पेशल मतलब है कि मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है कि मैं बच्चे लोग के साथ यहाँ पे बच्चे के साथ, वो भी मेरा एकेडमी में बॉम्बे में, कि उनके साथ मैं सेलिब्रेट करने के लिए एक मौका मिला कि मतलब कि वो बहुत, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि बच्चे के साथ मैं सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ। और इस साल में कुछ नया चीज़ें स्टार्ट होने वाला है मेरे लाइफ में, तो मुझे जितने जितने हो सकता है उतने बच्चे लोग की दुआ मतलब बहुत अच्छा रहता है कि करके मैंने सुना है, और सुना नहीं है वो सच है, तो मुझे इनकी सबका एकदम प्रेयर्स में इन लोग मुझे याद करना, ये नहीं और भी बच्चे हैं, और भी बच्चे लोगों के साथ मैं अभी बहुत सारे चीज़ें कर रहा हूँ। और सो ये है कि यहाँ पे स्माइल फाउंडेशन आज मेरे साथ है यहाँ पे, और वो भी मेरा अकेडमी में पॉलसन थॉमस डांस वर्ल्ड, सो वी आर सेलिब्रेटिंग दिस। न्यू थिंग एक म्यूज़िक वीडियो बनाया हुआ है, हम लोगों ने एक प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया हुआ है, सो उसका एक सरप्राइज है कि वो उसकी तैयारी चल रहा है एक्चुअली, वो तैयारी के लिए मुझे बहुत ताकत चाहिए, और ताकत की मीन्स है कि बहुत प्रेयर्स चाहिए मुझे, ब्लेसिंग्स चाहिए, सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अभी गाने कर चुके हैं हम लोग, एल्बम कर चुके हैं, और अभी वीडियोस और करने वाले हैं, एंड वी आर प्लानिंग मूवी ऑल्सो। प्लानिंग मतलब है कि उसका भी काम स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज द थिंग। रेमो सर के साथ आपने बहुत ज्यादा काम किया, उनकी रेस 3 भी आने वाली है, तो कितना स्पेशल होने वाला है आपके लिए वो चालू करना? रेमो सर, रेमो सर, हाँ कट गया, हाँ ये फैन का तो आवाज आएगा, वे एसी कौन बंद किया? एसी बंद कौन किया? अच्छा नहीं, माय गॉड ऐसे दिन ही ऐसे होता है, बाकी के दिन सब अच्छा होता है, हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ जी पूछो पूछो जी। जो रेमो सर की फिल्म आने वाली है रेस 3, उसके लिए कितना एक्साइटेड है और बहुत काम किया है, कैसी बॉन्डिंग रही है रेमो सर के साथ? रेमो सर के लिए कुछ बोलना चाहता तो कुछ नहीं है उनके लिए, क्या बोलूँ, मेरे माँ बाप के बाद अगर ये धरती में, अगर दिस ऑन दिस प्लैनेट कि आफ्टर माय मॉम डैड, अगर किसी ने अगर मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैंने कुछ किसी से सीखा है, वो ये रेमो सर, इज़ लाइक अ गॉड फॉर मी एंड ही इज़ अ गॉड फादर फॉर मी, एंड उन्हीं से सीखा हूँ मैंने सारे चीज़ें। तो ये रिलेटेड अभी जो पहला काम है मैंने एज अ डायरेक्टर, एज एन डायरेक्टर मैंने कर चुका है ये काम, एंड आई एम प्लानिंग समथिंग, मतलब है कि मुझे कुछ उनके लिए कुछ तोहफा देना है, कि जैसे कि रेमो सर को, जैसे कि एक माँ बाप के लिए मुझे पता नहीं कि क्या तोहफा दूँ, आज तक मुझे पता नहीं कि मैंने देता तो हूँ, पर ऐसा नहीं कि जो चीज़ें कि उनको कुछ भी देगा तो वो बस नहीं होता है, वैसे कि रेमो सर भी मेरे लिए वही है, उनके लिए वही जगह है। या सो रजिस्ट्री, हाँ जी, किड्स के साथ आज सेलिब्रेट जी, ये सोचा था कुछ के किस तरह से ध्यान में आई, यू वांटेड टू सेलिब्रेट योर बर्थडे? मुझे ये तो बहुत सालों से, मैं तो मतलब लास्ट ईयर में, मतलब है कि मेरा हर साल में कि कहीं ना कहीं मैं चैरिटी जाता हूँ मैं, और ऑर्फनेजेस जाता हूँ मैं, और मेरी माम बहुत ऐसे कि मुझे बहुत बताया हुआ है कि अपन जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है, ऐसे कि हमारे ज़िंदगी में भी बचपन में बहुत ज़रूरत है और अभी भी ज़रूरत है, तो मेरी माँ बोली है और लेके भी जाती है, उन्होंने सिखाया है कि जिनको ज़रूरत है उनको मदद करो, उनको मदद करेगा तो भगवान हमें मदद करेंगे। तो वही है कि आज मेरे पास इतनी छोटी ताकत है कि इतने बच्चे लोग के साथ मैं यहाँ पे सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ, और वैसे ताकत ऊपर वाला मुझे बना के दे रहा है, और अभी और बना के देने के लिए मैं ऊपर वाले से प्रे कर रहा हूँ कि मुझे एक ऐसे क्या भी बहुत सारे कि मुझे मन है कि बहुत सारे बच्चे लोगों को मैं अडॉप्ट करूं, उनकी स्टडीज़ के लिए मैं हेल्प करूं उनको, वो भी है वो, अगर जितना मुझे ऊपर वाले जितना ताकतवर बनाएंगे उतना ताकतवर मैं, मेरे साथ वाले और जिनको ज़रूरत है रियल में
जिनको नीड है उनको भी मैं करने के लिए मेरी इच्छा है। और ये डांस रियलिटी शो जितने सारे होते हैं इतने हेल्प आउट करते हैं जो एस्पायरिंग डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं आपके करियर में? जी मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम केरला, मैं केरला से हूँ। कभी मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी में मैं बॉम्बे में आऊँगा और इतना एक एक आइडेंटिटी, एक डांसर भी हो वो, एक सिंगर भी हो, कोई भी हो, उनको एक आइडेंटिटी के लिए सब लोग मेहनत करते हैं। तो हमारे वहाँ पे मतलब केरला में कभी डांस के लिए इतना वैल्यू नहीं था, आई डोंट थिंक सो, मतलब सिर्फ केरला में, हर जगह मतलब इंडिया में कहीं भी इतना कोई ये नहीं था, स्कोप नहीं था। तो अभी आज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए हुए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रियलिटी शोज़ है, तो उस पर हम लोग को एक आइडेंटिटी देते हैं यहाँ पे दुनिया में कि, और उसके बाद दूसरे अपॉर्चुनिटीज़, दूसरे रास्ता खुल जाता है कि ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो वही है कि तभी मैं कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे बॉम्बे आएंगे, तो वही रियलिटी शो ने ही मुझे यहाँ पे ले गया, डांस इन द डांस फर्स्ट सीजन। आफ्टर दैट मुझे कि जितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, जितना जिस तरीके से हमारा सोच है, वो सोच के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना अपना फोकस है, जितना हार्डवर्क है, उस हिसाब से नेक्स्ट बाई नेक्स्ट स्टेप बाई स्टेप वी आर गेटिंग एंड वर्किंग फॉर दैट। जी प्रिपेयर अपने आप को ये बनना है कि किसके पास भी, मुझे नहीं लगता कि जिसके पास सिर्फ और पैसा है तो वो सब कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि जिनके पास पेशेंस हो और जिनके पास वो फोकस दो, जिनके पास हार्ड वर्क करने के लिए जो ताकत हो, हिम्मत हो, जो ब्रेन में भी दिल में भी और एक सच्चा दिल हो, उनके लिए यहाँ पे बॉम्बे में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। मैंने कभी सोचा नहीं था आऊँगा। और ये है कि हाँ, आपकी क्वेश्चन स्ट्रगल ये है कि मैं जैसे डांस इन द डांस, आफ्टर डांस इन द डांस और उसके बाद तुरंत मैंने फालतू में भी एक्टिंग कर चुका था, उसके बाद मैं ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ तो बहुत देते थे यहाँ पर रहने के लिए घर नहीं था, घर के देने के लिए रेंट नहीं था, और ऑटोग्राफ फोटोग्राफ देते थे पर खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं था। वो भी दिन मैं देख चुके हैं ऐसे, एक स्टार बनने के बाद हम लोगों को यहाँ पे एक जन को एक अगर एक स्टारडम मिलने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए कितने तकलीफ होते हैं, और वो तकलीफ इंसान को कितना तोड़ देते हैं, और कितने लोग के घर पे टाटा बाय बाय बोलते हैं। तो वही है कि हिम्मत चाहिए दिल में और दिमाग में, पेशेंस चाहिए और फोकस्ड, जहाँ पहुँचना है वहाँ पे वो जो एम रख के एकदम परफेक्ट उसके लिए हार्ड वर्क करके जाएगा तो विल गेट इट। कहना चाहते हैं कि देखो भगवान हमारे लिए जो भी करे सब अच्छा है, आई बिलीव इन, मतलब है कि मुझे ये चाहिए कि मैं चाहता था कि इतने बड़े पिक्चर बने बनाए सर ने, सर ने भी ऐसे एक दिन देख चुके जो दिन हम लोग फेस कर चुके, उससे भी बहुत ऐसे दिन उन्होंने देख चुके हैं, तो उस वजह से उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। और वही है कि भगवान उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें, हम लोग, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे बैच में, उनके लिए भी, सबके लिए भी सर बहुत हेल्प करते हैं। तो वो ये कि भगवान उनको मदद कर रहे हैं, तो जो भी है उनका एक्सपीरियंस है अच्छी तरीके से, सर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, नए नई चीज़ें बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, है कि मतलब है कि सर का जो अभी नया जो सर का जो जो जिस चीज़ के ऊपर सर ने मेहनत किया है, वो मेहनत अच्छे से पूरा दुनिया अच्छे से उसको एक्सेप्ट करे और सर को और ताकतवर बनाए, सर को और सक्सेसफुल बनाए। ट्रेलर देखा है मैंने, अच्छा है, बहुत अच्छा है, यस बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट का ट्रेलर बहुत अच्छा है, बिल्कुल जी। अभी सर का तो मतलब बहुत बिजी, यस यस आई हैव टू, आई एम, मतलब है कि मुझे सर से मिलना है, सर से मिलके मुझे सर से आशीर्वाद लेना है, मुझे सर का आशीर्वाद, मेरा मतलब गुरु है, माता पिता गुरु, माँ बाप तो मतलब इधर से थोड़ा दूर में केरला में, आफ्टर दैट यहाँ पे, यस वेल विशर्स तो ऑलवेज देयर, मतलब है कि इज़ अ पर्सन गिरीश इज़, मतलब है कि इज़ माई बैकबोन, इज़ लाइक अ गार्डियन फॉर मी, मतलब यहाँ पे अभी कुछ करने के लिए मुझे बहुत साथ देते, ताकत देते, हर इंसान को कोई ना कोई पीछे चाहिए चाहिए, वो भगवान तो है, भगवान पर, भगवान के थ्रू अगर लाइफ में अगर कोई मिलना चाहते हैं, कोई अगर आते हैं तो वो एंजल्स की रूप में आते हैं, उसमें से एक है रेमो सर और हिज मिस्टर गिरीश, ये भी एक मेरा बिग ब्रदर है, ही ऑल्सो सपोर्ट्स मी लाइक लाइक एनीथिंग। तो ABCD 3 को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है, तो आपको देखा था हमने ABCD 1 में, तो
क्या 3 में भी आप दिखाई देने वाले और मतलब कहां तक प्रोसेस पहुंचा है, कब तक शुरू होने वाले शूट? जी ABCD 3 के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि वो सर ही बोल सकते हैं, वो सर के पास ही अभी तक उसका कोई न्यूज बाहर नहीं निकला है, तो मैं बोलने के लिए अभी मेरे पास ABCD 3 के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे पता है कि वो इंडिया में वैसे ABCD मतलब है कि वो तो लेजेंड मूवी है, इंडियाज फर्स्ट डांसिंग 3D मूवी, तो उसमें पार्ट होने के लिए मुझे पहले वाले में भी अगर मौका मिल गया वो दैट्स, मैं अपने आप को बहुत ब्लस्ड मानता हूँ उसके अंदर एक मौका मिला मुझे। अभी आने वाला टाइम पे अगर अगर सर से अगर मांगा मौका मांगा अगर सर ने दे दिया तो डेफिनेटली आई रेमो सर के लिए सिर्फ एज एन एक्टर नहीं है, एज एन असिस्टेंट नहीं है, मैं उनके लिए मतलब उनके लिए जो भी ज़रूरत है, मतलब कि एज अ एक उनका बच्चा, एक माँ बाप के लिए एक बच्चा उनको क्या कर सकता है, वैसे मैं उनके लिए कभी भी एनी टाइम एनी वेयर मैं कुछ भी करने के लिए उनके लिए तैयार हूँ मैं एज अ ब्रदर। या तो कब तक देख पाएंगे या कुछ इन डिटेल? ऑन दिस मंथ या ये महीने में हमारा रिलीज है, तो उसका लॉन्च है, तो उसका वो सब चीज़ें अभी उसका प्री प्लान चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो वो उसका डेट्स जल्दी आप लोगों को बता देंगे, जल्दी आप लोगों के पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। We'll be right back.